नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली से एक बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी कांग्रेस से जुड़ी हुई निकल के आ रही है। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एक बड़ा फैसला ले सकती है और कर्नाटक फार्मूला लागू कर सकती है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी मैं आपको बता रहे हैं। साथ ही खबरें ये भी निकल के आ रही है कि सर्वे के आधार पर ही टिकट वितरण किए जाएंगे। वहीं अगर बात करें जो खबरें सूत्रों के हवाले से निकल के आ रही है, बताया जा रहा है कि सर्वे के आधार पर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जो अलग अलग सर्वे करवाए थे तमाम नेताओं ने, उसकी रिपोर्ट अपने हाथ में ले ली है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी मैं आपको बता रहे हैं और अंतिम फैसला राहुल गांधी ही लगाएंगे, जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल के आ रही है। जिस तरीके से अगर बात करें तो कर्नाटक फार्मूला लागू करने की बात की जा रही है, जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल के आ रही है। बताया जा रहा है कर्नाटक का मॉडल यहाँ पर मध्य प्रदेश में लागू किया जाएगा। जिस तरीके से कर्नाटक में कांग्रेस ने जो रणनीति इस्तेमाल की थी, जिस तरीके से काम किया था, उसका फल मिला था और कर्नाटक में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, जिस तरीके से टिकट वितरण किए गए थे, जो 40 टिकट काटे गए थे, उस तरीके से मध्य प्रदेश में भी कई टिकट कट सकते हैं और नए उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जा सकता है, जो सूत्रों के हवाले से खबरें निकल के आ रही है। साथ ही बताया जा रहा है कि जिस तरीके से अगर बात करें तो कर्नाटक में सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार ने जिस तरीके से उनके हाथ से पूरी कमान लेकर राहुल गांधी ने अपने हाथ में कमान ली थी, उसके बाद माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही कुछ जो है राहुल गांधी कर सकते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी मैं आपको बता रहे हैं जो सूत्रों के हवाले से निकल के आ रही है, मध्य प्रदेश में कर्नाटक फार्मूला लागू किया जा सकता है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट थी। इस तरह की अपडेट के लिए बने रहना हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।